हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। आप सभी के दिन की शुरुआत मेरे गार्डन में खिलने वाले इन खूबसूरत मॉस रोज के फूलों के साथ। देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, अगर हम एक साथ तीन चार कलर मिलाकर हैंगिंग बास्केट बनाते हैं या फिर प्लांटर में लगाते हैं तो वो कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल रेन लिली, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये देखिए वो मेरे रोज, जो मैंने आपको सिंगल ब्रांच पर 17 बर्ड्स दिखाए थे, उनका साइज देखिए कितना बड़ा साइज है इनका। और इन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और अभी भी इन पर कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स अभी भी इन पर आई हुई हैं। ये मेरा है विस्किस का प्लांट, मेरा हिबिस्किस भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये मेरा मैक्सिकन पेटूनिया, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों इसके प्लांट पे। बहुत अलग अलग कलर में इसके फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये मेरा सनफ्लावर और ये विंका, ये तो मेरा हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। इसका पॉट तो मेरा हमेशा फ्लावर से ही भरा रहता है। डेली मैं इसमें इतने ही फ्लावर देखती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये कहीं जाते ही नहीं है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है ये। ये देखिए ये अलामांडा, हिबिस्कस का फ्लावर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के ही अपने टॉपिक पर। दोस्तों, विंटर का सीजन स्टार्ट होने वाला है और हम सभी विंटर्स के फ्लावर के बारे में तो जानते ही हैं कितने खूबसूरत होते हैं। बहुत शौक होता है हम सभी को विंटर आते ही फ्लावर, क्योंकि इतने कलर शेड में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं कि वो उनका कहना ही क्या। दोस्तों, हम में से कुछ लोग नर्सरी से खरीद कर प्लांट लेकर आते हैं और कुछ लोग सीडलिंग करते हैं। सीडलिंग करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने विंटर के कौन कौन से सीड परचेज किए हैं। मैं आपको एक ये भी बताऊंगी कि मैं सीड्स ही क्यों खरीदती हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। ये है मेरा कॉस्मोस, ये देखिए ये कॉस्मोस, ये मेरा जीनिया, नहीं सॉरी गजानिया, ये पेंजी, इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। ये भी मेरा एक गजानिया है, इसकी एक वैरायटी है, ये उस वही है। ये मेरा स्वीट पीस और ये मेरा हेलिक्राइसम्स, इसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर आपको इसकी पौध नर्सरी पर नहीं मिलती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। सीड से लगाने का बिल्कुल सही टाइम है इनको। ये डेजी के फ्लावर्स भी आप सभी ने देखे होंगे। ये कैलेंडुला मिक्स, ये मेरा एक और कॉस्मोस, ये देखिए ये मेरा कार्नेशन। कार्नेशन के फ्लावर भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अलग अलग कलर में जब वो आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत, एक मेरे पास ये हॉलीहॉक के फ्लावर भी आप विंटर्स में लगाइए, बहुत सुंदर इसके फ्लावर होते हैं। जब भी हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप हॉलीहॉक के फ्लावर्स देखते होंगे जो लंबे लंबे स्टिक्स में, बेहद खूबसूरत लगते हैं। इनको लगाने का भी ये सही टाइम है। ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का, ये ल्यूपिन,
इसकी एक लंबी लंबी स्टिक जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे ही निकलती है, बहुत खूबसूरत निकलते हैं जब इसके दो तीन कलर हम मिक्स करके लगाते हैं। दोस्तों ऐसे तो विंटर्स के बहुत सारे फूल हैं, अगर मैं सारों के नाम गिनाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये फॉल एक्स है। लेकिन इनमें से कुछ फ्लावर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे तो आप ये एनास्टेशियम, इसकी बेल भी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तीन चार कलर में जब इसके मिक्स से हैंगिंग बास्केट बनाते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आप इतने सारे फ्लावर, आप जब नर्सरी से कोई भी पौध वगैरह लेने जाते हैं, दोस्तों सबसे पहली बात मुझे सीडलिंग करना क्यों अच्छा लगता है इसके बारे में मैं आपसे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि मैं कौन कौन से फ्लावर सीड इस बार विंटर्स में लगाने वाली हूँ। विंटर्स में आप ये समय बिल्कुल सही सीजन शुरू हो गया है कि आप विंटर्स के फ्लावर्स ये सीड्स लगाइए। आप अगर जिन जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो 10 से 15 दिन अभी रुकें, उसके बाद अपनी सीडलिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपके सीडलिंग बर्न हो जाएंगे। लेकिन आप 10 से 15 दिन में या फिर जिन जगहों पर टेम्परेचर कम है वो अभी सीडलिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे विंटर्स में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। होता क्या है कि जब हम लेट सीडलिंग स्टार्ट करते हैं तो उनमें फ्लावरिंग भी लेट आती है, जब तक फ्लावरिंग आती है हमारा विंटर का सीजन ही चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि विंटर के सीड मुझे क्यों लगाना पसंद है, मतलब मुझे सीडलिंग करना क्यों पसंद है, और इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनकी पॉटिंग सॉइल कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई जानकारी के साथ, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।